नमस्ते, मैं उमा पाठक। राजनीति में आजकल जनता के हितों, उनके मुद्दों, समस्याओं से ज्यादा सियासी नफा नुकसान और चुनावी गुणागणित की फिक्र अधिक होती है। मौजूदा यूपी चुनाव में जन सरोकारों के मुद्दों पर जिक्र करने की बजाय सभी राजनीतिक दलों की दिलचस्पी दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने और अपनी पार्टी में शामिल करने में ज्यादा है। बीजेपी और सपा आपस में दल बदल का 2020 मैच खेल रहे हैं, जहां यूपी चुनाव को लेकर हर दल सियासी समीकरण सेट करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि दूसरों को जोड़ने की तो बात छोड़िए, इनके अपने शीर्ष नेता पार्टी को छोड़कर दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। कल कांग्रेस के मजबूत नेता और मनमोहन सिंह के शासन में केंद्रीय मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पडरौना के नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। महज एक दिन पहले कांग्रेस ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा था, लेकिन आरपीएन सिंह ने पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए अपनी राह बदल ली। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद पडरौना 330 सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष जायसवाल और पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार पडरौना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। आरपीएन सिंह ने 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और तत्कालीन बीएसपी सरकार के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हराकर सांसद बने। 2011 की कांग्रेस सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रहे। 2012 में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री रहे। 2013 से 14 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। उसके बाद 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए थे। आरपीएन सिंह कांग्रेस संगठन में भी बड़े पदों पर रहे। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं और गैस का सिलेंडर किस दाम पर 70 सालों में जिस स्तर पर पहुंचा है आज तक नहीं पहुंचा है। जाति के चक्रव्यूह में फंसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब किसी संगठन का बड़ा नेता दल बदल करता है तो उसकी जाति की चर्चाएं भी शुरू हो जाती है। चुनावी पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने आरपीएन सिंह को अपने पाले में लाकर अति पिछड़े वर्ग की सैंधवार मतदाताओं को साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को सैंधवार समाज का बड़ा नेता माना जाता है। कुशीनगर के साथ साथ आसपास के जिलों में उनका अच्छा प्रभाव है। कुशीनगर पडरौना और हाटा विधानसभा क्षेत्र में ही सैंधवार मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है। हाटा विधानसभा क्षेत्र के सैंधवार समाज की दावेदारी मजबूत रहती है। यूपी के चुनावी दंगल में किस पार्टी का मंगल होगा और किस पार्टी का अमंगल वह 10 मार्च की तारीख तय करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य में लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई आमजन की बातें चुनाव में न होना दुखद पहलू है। जन जन की आकांक्षाओं पर नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने मट्ठा डाल दिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर राजतंत्र आकार लेता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निर्माण व गुंडागर्दी और गुंडन के समाप्ति बा बुझनी रहू रहा बुझनी ना कि अभी कुछ हाल साल साल पहले मालूम रहल ना किस तरह की गुंडाई होत रहल, किस तरह के बदमाशी होत रहल, सब बंद हो गए बा ना, लोग के परेशानी बा बुझनी, इसीलिए का बा लाठी बा डंटा बा सोच रह, नहीं तो पुलिस और ठीक कर दी। आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।